यहाँ जो है 2500 बेड की क्षमता है, 2500 यात्री यहाँ ठहर सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं यहाँ निःशुल्क है। पर्यटन सूचना केंद्र है, सहायता केंद्र है, यात्री को किसी भी प्रकार की समस्या होती है। 2500 का बेड का व्यवस्था पिछले साल भी था, ये कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस पर हमें अलाउ तो नहीं दिया जा रहा है कि मैं पूरा एक्सप्लोर करूं। मीडिया का भी अलाउ नहीं है ध्यान गांधी मैदान के इस किया जाए, इसके कारण इस जगह पर किसी को अलाउ नहीं दिया जा रहा है, किसी कारण किसी यात्री को असुविधा ना हो। यह है गया के गांधी मैदान जहाँ व्यवस्था किया गया है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों गया के गांधी मैदान में हूँ मैं, बता दूं कि पितृ पक्ष का समय है और इस जगह पर व्यवस्था यात्री के लिए जबरदस्त किया गया है। मैं बता दूं कि पिछले बार जो व्यवस्था काफ़ी कमी दिखी थी, बट इस बार 2023 में पितृ पक्ष समय में व्यवस्था यात्री के लिए बहुत जबरदस्त किया गया है। तो मैं चलकर आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पंडाल को बनाया गया है, यात्री के लिए सुविधाएं के लिए हर कुछ अंदर में व्यवस्था दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर चलकर वीडियो दें, लेकिन अलाउ तो नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यात्री को किसी तरह का असुविधा ना हो, इसके कारण किसी अलग आदमी को, किसी थर्ड पर्सन को अंदर भेजने का अलाउ अंदर नहीं है। तो मैं चलकर आपको कोशिश करूँगा, अगर दे पाए तो ठीक है, नहीं तो आप देख पा रहे हैं हमारे सामने यही व्यवस्था जो है इस बार गांधी मैदान में किया गया है। इस प्रकार से व्यवस्था जो है नहीं किया गया था, बट इस साल मैं 2023 में देख पा रहा हूं कि गया जी में गजब का व्यवस्था दिखाया गया है और किया गया है। आपको मैं बता दूं कि गांधी मैदान ये है और गांधी मैदान में ऐसा व्यवस्था मैं मेरे ख्याल से पहला बार इतना खास व्यवस्था जो है किया गया है, इससे पहले व्यवस्था जो है ऐसा नहीं किया गया था। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यही व्यवस्था है गया जी के गांधी मैदान में, काफी जबरदस्त व्यवस्था जो है दिया गया है। तो हमें अलाउ तो नहीं दिया जा रहा है कि मैं पूरा एक्सप्लोर करूं, मीडिया का भी अलाउ नहीं है ज्ञान गांधी मैदान के इस व्यवस्थाओं में यात्री को व्यवस्था किसी तरह का सुविधा नहीं किया जाए, इसके कारण इस जगह पर किसी को अलाउ नहीं दिया जा रहा है, किसी कारण किसी यात्री को असुविधा ना हो। तो मैं बता दूँ कि यही व्यवस्था है, मैंने प्रशासन से भी बात करने की कोशिश की कि अलाउ दिया जाए, लेकिन अलाउ नहीं मिला, इसके कारण मैं क्षमा मांगता हूं। बट आप देख पा रहे हैं यह है गया के गांधी मैदान जहां पे व्यवस्था किया गया है। सर बताइए कि कितने लोग का यहां पे व्यवस्था जो है किया जा रहा है? यहां जो है 2500 बेड की क्षमता है, 2500 यात्री यहां ठहर सकते हैं और सारी व्यवस्थाएं यहां निःशुल्क है। पर्यटन सूचना केंद्र है, सहायता केंद्र है, यात्री को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे काउंटर पे वो आकर के समस्या का समाधान कर सकते हैं। यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है, वोटर कार्ड लिया जाता है और उसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बेड अलॉट हो जाती है और डॉर्मेट्री सिस्टम है, प्रत्येक आदमी के लिए एक बेड अलॉट है। हाँ, उनके लिए अलग से लॉकर रूम की व्यवस्था है, वो अपने सामान लॉकअप में रख सकते हैं और पिंडदान करके आने के बाद पुनः वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि गया में 2023 में जो व्यवस्था किया गया है, इससे पहले ऐसा व्यवस्था था गया में? हाँ, 2022 से ही टेंट सिस्टम का ये आरम्भ हुआ है, 22 में भी टेंट सिस्टम था, इसी तरह का सेम कंडीशन। बताइए टेंट किया गया, ये तो बिहार टूरिज्म के सौजन्य से है और प्रत्येक साल बिहार टूरिज्म प्रयास करती है अच्छे से अच्छे व्यवस्था यात्रीगण को प्रोवाइड करें, हर एक साल इसमें इंक्रीजमेंट होते जा रहा।
क्योंकि पिछले साल 2022 में ऐसा नहीं, पर इस बार मैंने कुछ खास देखा है। नहीं, यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बट टेंट सिटी 2022 में भी थी। 2500 का बेड का व्यवस्था पिछले साल भी था? ये कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस बार 2500 की है। अभी तक कितने आप यात्री रुके हुए हैं? देखिए, प्रत्येक दिन का अलग अलग लिस्ट है। ठीक, और आज के डेट में प्रॉक 600 से प्लस ही यात्रीगण यहाँ ठहर चुके हैं। लोग से आग्रह करना चाह रहे हैं, आप लोग ब्लॉगर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, न्यूज चैनल चला रहे हैं, इस टेंट सिटी में जो निःशुल्क की व्यवस्था है इसका अधिक से अधिक प्रचार करिए, ताकि यात्री लोग यहाँ आकर के निःशुल्क व्यवस्था का फायदा उठा सके। ये आपसे विशेष अनुरोध है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम चंदन कुमार है, बिहार टूरिज्म से टूरिस्ट गाइड। तो जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त हो पाई है, और आप देख पा रहे हैं अंदर जाने के अलावा हमें कोशिश करने पर भी नहीं मिल पाई, इसके लिए बार बार क्षमा, लेकिन व्यवस्था 2500 बेड का यहाँ पर किया गया है और आज का फिलहाल 600 लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और आगे का वीडियो आपको मैं ऐसे ही देते रहूँगा। गया जी में पिंडदान, मैं बता दूँ कि शुरुआत हो गया है और 14 तारीख तक गया में पिंडदान होगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको अंदर दिखा पाया, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ पे अलाव, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसके लिए मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ कि अंदर का व्यवस्थाएं मैं आपको डिटेल नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ के व्यवस्थापक जो बताए हैं यहाँ पे जितने भी व्यवस्था है, 2500 वेट का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है और सारा व्यवस्था जो है यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बगल में एम्बुलेंस भी लगी हुई है, यहाँ पर किसी तरह का कोई समस्या होता है तो उसका भी समाधान तुरंत किया जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सरकारी एम्बुलेंस 102 लगी हुई है यहाँ पर, और किसी तरह का कोई समस्या यहाँ पर होता है इसका जो है जिला प्रशासन जो है इसका भार उठाएगी और किसी तरह का समस्या आपके सामने नहीं आने देगी। तो यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है, आप यहाँ आकर गया के गांधी मैदान में आराम से आकर रह सकते हैं। 2500 वेट का व्यवस्था किया गया है और देख पा रहे हैं गांधी मैदान टाउन बना दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आगे सपोर्ट करिएगा, ऐसे ऐसे वीडियो मैं हमेशा देता रहता हूँ, और ख़ास करके अभी मैं बता दूँ कि शुरुआत हो गया है और 14 तारीख तक गया में पिंडदान होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आगे का अपडेट हम देते रहेंगे।